बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। हर साल आप लोग आ जाते हैं और आप लोगों का आशीर्वाद हर साल हमें मिलता रहता है, उसी से प्रोत्साहित होकर के हमारा जीवन जो है और सफल हो जाता है आगे। तो सबसे पहले आप सब लोगों को धन्यवाद, और आप लोगों के माध्यम से जितने भी हमारे चाहने वाले हैं, शुभचिंतक हैं, उन सबको अपनी ओर से उनको धन्यवाद दे रहा हूँ। प्रत्येक को व्यक्तिगत रूप से मिलना ज़रा मुश्किल हो जाता है, लेकिन आपके माध्यम से मैं चाहूँगा कि आप उन तक हमारा समाचार दे दें कि हाथ जोड़कर उनको हम प्रणाम करते हैं। उनका आशीर्वाद, उनका स्नेह और उनकी प्रार्थनाएँ जो हैं वो हमेशा हमारे साथ रही हैं, और उन्हीं की वजह से आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप। Happy birthday to you, happy birthday dear Amit ji, happy birthday to you. Thank you. Amit ji, RJ Alok here from OFM. मेरा सवाल आपसे है, पहले तो बधाई ढेर सारी इस दिवस की। कैसा रहा कल रात 12 बजे से लेकर के आज अभी तक का दिवस? ज्यादा कुछ नहीं, परिवार साथ में था और अब उम्र हो गई इतनी, कहाँ अब जन्म दिवस मनाएंगे उसको। तो बस इस बात की तसल्ली थी कि घर के जितना परिवार था वो साथ में था और उनके साथ मिल करके जन्मदिन का आगमन हुआ, और बस ऐसे ही। उसके बाद कुछ अपने ब्लॉग के लोगों और ट्विटर वगैरह पे काफ़ी देर तक बातचीत होती रही, और बस सुबह से प्रतीक्षा गए थे माँ बाबू जी का आशीर्वाद लेने, और अब यहाँ आ गए। सर, आज के दिन की क्या मसरूफियत, किस तरीके से दिवस जाने वाला है पूरा? कुछ नहीं, सबसे ज्यादा मसरूफियत यह है जो अभी हो रही है। सर, आप मान रहे हो कि वक्त बहुत ही फास्ट दौड़ रहा है, इनफैक्ट ऐसे लग रहा था कि हम कुछ दिन पहले ही आपका 72 बर्थडे मनाए थे। समय की रफ्तार है, अभी क्या किया जाए, प्रतिदिन कुछ ना कुछ चलता रहता है, होता रहता है, और कुछ माध्यम भी ऐसे हो गए हैं जिससे कि आपको लगता नहीं है कि काफ़ी विलंब हो गया एक दूसरे से मुलाकात करने का। माध्यम मोबाइल का है, इंटरनेट का है, प्रतिदिन आप उसको देखते हैं, पढ़ते हैं, तो हमारा समाचार मिलता ही रहता है आपको। तो कई मानों में अपने आप को मैं पत्रकार मानने लग गया हूँ, प्रतिदिन रात को बैठ करके अपनी खबर छाप देता हूँ, और आप लोगों का स्नेह प्यार मिलता है तो उसे आप उसको आगे छाप देते हैं। तो इसी वजह से शायद हो सकता है ऐसा लगता है कि हम तो अभी अभी आपसे मिले थे। जी बच्चन साहब, सबसे पहले जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। मेरा सवाल यही आपसे कि कोई ऐसा शख्स है आपकी लाइफ में, आपके पूरे करियर में, जिसने आपके साथ हमेशा वो बर्थडे सेलिब्रेशन किया और जो आप उसको याद करते हो, आप उनके साथ डिनर करते हो, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी यादें उनके साथ? परिवार बस साथ में रहे, यही हमारे लिए सबसे बड़ी उत्तम चीज़ रहती है, और ईश्वर की कृपा रही है, परिवार ने हमेशा हमारा साथ दिया है। बहुत कम अवसर मैंने ऐसे देखे हैं जहाँ पर मैंने जन्मदिन अकेले मनाया हो। हाँ, परिवार हमेशा साथ रहा है। माँ बाबूजी जब थे तो उनके साथ मनाना था, जब हम कहीं बाहर किसी शहर में काम कर रहे थे, जैसे मैं कलकत्ते में काम कर रहा था, तो उस ज़माने में आना जाना जो था वो इतना सुविधाजनक नहीं था, और ना ही टेलीफोन वगैरह की इतनी सुविधाएं थी, लेकिन वहाँ भी माँ बाबू जी का फ़ोन आ जाता था और फिर अपने मित्रगण जो थे उनके साथ जन्मदिन मना लेते थे। लेकिन आम तौर पर परिवार के साथ ही रहना मुझे पसंद है, और उन्हीं के साथ हमने अपना जन्मदिन मनाया है। थैंक यू अमित जी, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि एक मिनट। जी जी जी, ऐसी बात नहीं है देवी जी, ऐसा मतलब जितने भी हमारे बड़े सुपरस्टार्स हैं सबके बहुत प्रख्यात और बहुत ही प्रबल फैन संख्या है। मैं तो केवल ईश्वर को धन्यवाद देता हूं और अपने चाहने वालों को धन्यवाद देता हूं कि वो आज भी अपना स्नेह और प्यार दिखाने के लिए 11 अक्टूबर को आ जाते हैं। और मैं क्या कहूँ, कृतज्ञ हूँ मैं
उनका आशीर्वाद मिलता रहता है मुझे। अमित जी, सबसे पहले आपके इस जन्मदिन पे आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आपने बहुत सारे अपने जन्मदिन देखे होंगे और सेलिब्रेट किए होंगे, कितना सामान्य और कितना खास है ये जन्मदिन आपके लिए, और आप स्वयं के लिए क्या प्रार्थना करते हैं अपने ही जन्मदिन पर? जिंदा रहें और क्या। जी 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 जी। अमित जी, शिवांगी फ्रॉम लाइव इंडिया, सबसे पहले तो जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। सर, आपने जो ये पोशाक पहनी है बहुत बेहतरीन है, तो हम जानना चाहेंगे इस पोशाक के बारे में। ये हमारे मित्र हैं आबू संदीप जी, उनकी बनाई हुई है। तिथि त्योहार पे वो हमारे लिए कुछ न कुछ बनाते रहते हैं, और हमारे यहाँ तो शायद ये परंपरा रहती है कि कोई त्योहार हो, कोई जन्मदिवस हो, तो कुछ नया वस्त्र पहनना चाहिए, तो आज पहन लिया उसे। अमित जी, ज्योति फ्रॉम E24 News 24, सर यहाँ पर। सर, आराध्या ने क्या गिफ्ट दिया आपको? अभी मिला नहीं हूँ मैं उनसे, सुबह उठ करके मैं माँ बाबू जी का आशीर्वाद लेने चला गया प्रतीक्षा, वहाँ से सीधा यहाँ आ रहा हूँ आप लोगों का आशीर्वाद लेने। अब जाऊँगा वहाँ, तो वो इंतजार कर रहे होंगे। अभी कितनी एक्साइटेड है बर्थडे को लेकर, वो देख करके मैं वो बताऊंगा। बच्चन सर, बच्चन सर, फैमिली मेंबर्स, व्हाट हैव दे टोल्ड यू सो फार, व्हाट आर द विशेस दैट यू रिसीव्ड फ्रॉम द फ्रेटर्निटी एंड द फैमिली सो फार? They have expressed their love and affection, and I don't think that there's anything greater and bigger than that for anybody. No amount of material gift can replace love and affection of family members, of well-wishers. I've always believed in that. So materialistically, I can't say that it is not important. Yes, people show their affection, and I accept that with a lot of grace and humility, but yes, the love and affection is much greater than any material gift. Bachchan sir. Yeah. Hello sir, happy birthday to you. Thank you. आप इसी तरह स्वस्थ रहे और हम सबको यूं ही एंटरटेन करते रहे कई सालों तक। सर, मेरा सवाल आपसे है कि पिछले साल से इस साल आपने अपने अंदर कुछ बदलाव देखा है? हर बर्थडे में मतलब इंसान अपने आप में कुछ बदलाव देता है, अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव देखता है, आपने कुछ ऐसा बदलाव महसूस किया आपने आस पास या अपनी खुद की जिंदगी में? मैंने कभी इस तरह से अपने आप को देखा नहीं है, और मैं किसी तिथि तारीख के लिए इंतज़ार नहीं करता हूँ कि इस तारीख के बाद मैं बदलूँगा या इस तारीख के बाद। लोग कहते हैं कि नया साल आ गया तो चलो, क्या आपने प्रेरणा ली, क्या आपने विश किया? मैं तो ऐसा मानता हूँ कि हर साल जो है वो प्रतिदिन प्रतिक्षण जो है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है, और अपने काम में उसे कैसे और बेहतर कर सकें, लोगों के साथ जो संपर्क होता है उनके लिए क्या कर सकें, समाज के लिए क्या कर सकें, किसी के चेहरे के ऊपर कोई मुस्कान ला सकें। अभी हमारा ये कार्यक्रम शुरू हो रहा है, आज की रात है ज़िंदगी, उसका ध्येय यही है कि अगर बहुत सारे नेगेटिविटी है देश भर में, प्रतिदिन अखबार उठाइए कुछ अनाप शनाप खबरें लिखती हैं, नेगेटिविटी होती है, और उसके अंदर लोग अच्छाई भी करते हैं और प्रेरणा देते हैं वो हमको, वो बिना किसी के कहे वो काम करते हैं और वो लोगों के जीवन में, उनके जीवन में मुस्कान लाते हैं। तो अगर मैं अपने कार्य से, अपनी आदतों से अगर किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकता हूं, तो उसको करने का प्रयत्न करूंगा मैं। अमित जी, मूवी ईयर, अभी मैंने बताया सुहेल जी कोई मटेरियल गिफ्ट जो है उसको मैं स्वीकार करता हूं, अगर कोई दे देगा पुरस्कार या कोई इस तरह का उपहार दे देगा तो मैं उसको स्वीकार करूंगा, लेकिन लोगों का स्नेह प्यार जो है वो उससे कहीं ज़्यादा होता है, तो उसकी चर्चा करना ठीक नहीं रहेगा, क्या मिला क्या नहीं मिला। जब छोटे थे तब ये बहुत महत्व होता था, तब जब भी जन्मदिन मनाया जाता था तो सबसे पहले जा करके जो आया है जन्मदिन पे उससे पूछते क्या लाया भैया हमारे लिए तो वो बचपना था, वो अलग बात थी। अमित सर, आपके सामने विकास फ्रॉम न्यूज नेशन, सबसे पहले बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं सर आपको पूरी मीडिया की तरफ से। दो सवाल करूंगा सर, सबसे पहला तो वक्त बदला, दौर बदला, बहुत से बदलाव आए हैं बॉलीवुड में, बहुत सारे चेंजेस आए हैं, लेकिन अमित सर में कोई चेंज आया नहीं है, उनकी पर्सनैलिटी वैसी की वैसी है, जैसे वो आते हैं वही ऑरा लेकर आते हैं, तो सर ये राज क्या है इसके पीछे का? और दूसरा सवाल ये है, क्योंकि टाइगर जो है अब टाइगर से जुड़ चुके हैं, अब टैग जो है आपको टाइगर भी मिलता नजर आ रहा है लोगों द्वारा, अभी मैं बाहर खड़ा था लोग कह रहे थे कि अमित जी अब टाइगर भी हैं, इस पर क्या कहेंगे सर? अब ये टाइगर के लिए मैं काम कर रहा हूँ तो आपने टाइगर बोल दिया, लेकिन साथ साथ मैं टीबी के लिए भी काम कर रहा हूँ और हेपेटाइटिस के लिए भी काम कर रहा हूँ और डायबिटीज के लिए भी काम कर रहा हूँ,
और टूरिज्म के लिए भी काम कर रहा हूँ, पोलियो के लिए भी काम, तो जी सब ये क्या हम उपाधि हमको दे देंगे आप क्या? ये काम है, इसमें साथ नहीं जोड़ना चाहिए। रही बात आपकी पहले सवाल की कि देखिए हम इस वजह से काम नहीं करते हैं कि कोई, जिस तरह से आपने अभी वर्णन किया कि एक ऑरा होता है, ना जाने क्या होता है, ये आप लोगों का स्नेह प्यार है जो मिलता रहता है हमें। मैं तो केवल यही चाहता हूँ कि जो भी काम हमको दिया जाए वो हम पूर्णता से कर सकें, पूरी तरह उसे निभा सकें, और जिस वजह से वो काम हम करते हैं ताकि जनता के पास हमारा जो, हमारी जो भी छोटी मोटी कला है वो उसका उसको पसंद करें, उसको उसको आगे बढ़ाएं और किस तरह अपने आप में बदलाव ला सकें। ज़माना बदलता जाता है, आपने सही कहा, हर दशक में कलाकार बदल जाते हैं, काम करने का तरीका बदल जाता है, वो भी हमने देखा है क्योंकि 4 दशक हो गए हैं हमको इस फिल्म इंडस्ट्री में, और बहुत कुछ बदलाव आया है, टेक्निकली बदलाव आया है, काम करने के तरीकों में बदलाव आया है, और ये अच्छा है हम सोचते हैं, हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा है। नई पीढ़ी जो है उसको ऊपर आना है, पुरानी पीढ़ी को पीछे हट जाना है, ये सारी बातें होती हैं और हर वर्ष आती आई हैं, 100 वर्ष से ज़्यादा हो गए हमारी फिल्म इंडस्ट्री को, तो अब समय आ गया है कि हम पीछे हट जाएं और जो नई पीढ़ी है वो आ करके बागडोर संभाले, ऐसा ही होगा, आगे भी होगा। अमित जी, उर्वी और आपके जी जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं सर। सर अभिषेक ने एक दफ़ा इंटरव्यू में कहा था कि आपको